इसको खाली भूनेंगे, इसका पूरा पानी सुखाएंगे। अच्छा, जो इसमें मॉइस्चर है उसको पूरा खत्म करेंगे। हमारा मूंग दाल का हलवा, अभी मैं इसको अच्छे से रोस्ट कर, हलवे के लिए इसमें हम पानी डालेंगे और चीनी। गोल्डन ब्राउन कर लिए, इसका टेक्सचर जो है वो देखिए कैसे चेंज हो गया। ये बादाम और काजू का मिक्सचर बना लिया, ये हम थोड़ी इसमें सूजी डालेंगे, इसको रवा भी कहते हैं। चूल्हे के ऊपर ये देखो कलर देखते हैं आप कैसे चेंज हुआ इसका एकदम। देखो आप, तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाऊंगी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, आएंगे देखिए। घंटे घंटे की मेहनत के बाद ये देखिए सिखाएंगे। हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी बनाएं, और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बाय बाय। अच्छा। दाल का हलवा, ये मैंने दाल जो है वो काफ़ी देर पहले पानी में भिगो के रखी थी, अब हम इसको दाल को डालेंगे और इसको खाली भूनेंगे, इसका पूरा पानी सुखाएंगे। अच्छा, जो इसमें मॉइस्चर है उसको पूरा ख़त्म करेंगे। तो ये आ गई पैन के अंदर, हमारा मूंग दाल का हलवा, अभी मैं इसको अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, और इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे दाल को, तो इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। फिर उसके बाद हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। जी, ये हम बनाने जा रहे हैं चाशनी हलवे के लिए, तो इसमें हम पानी डालेंगे और चीनी, जितना हमने डाल ली है उतनी ही चीनी डालेंगे, और इसे अच्छे से बॉयल होने के लिए रख देंगे, और बीच में डालेंगे एक छोटी इलायची कूट कर। ऊर्जा कूट दूँ, ये हलवा बना रही हूँ। ये हमने दाल जो है देखिए ये अच्छे से अब हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया, ये इसका टेक्सचर जो है वो देखिए कैसे चेंज हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे और थोड़ी देर ऐसे ही ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे पीस देंगे। हम पीसने लगे हैं इसको, हमने पाउडर बनाना है इसका। ये मूंग दाल जो है वो पीस के रख ली है, ये बादाम और काजू का मिक्सचर बना लिया है, ये हम थोड़ी इसमें सूजी डालेंगे जिसको रवा भी कहते हैं, और ये थोड़ा सा बेसन और देसी घी डलेगा इसमें। आगे का प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। और ये यहाँ बन रही है हमारी चाशनी, आपको चूल्हे पे नज़र आएगा क्योंकि मैं हलवा जो है वो चूल्हे पे बनाऊंगी, तो आप देखते जाइए। अभी हमारा घी गर्म हो रहा है, ये मैंने देसी घी डाला है इसमें, गाइस ये हो गया हम रसोई से शिफ्ट चूल्हे के पास अपने। ये आ गया हमारा बेसन, ये आ गई हमारी पिसी हुई दाल, ये आ गई सूजी, और वो आ गया ग्राइंड करा हुआ काजू बादाम, और ये चूल्हे के पास और चूल्हे वाला हलवा मूंग की दाल का देसी घी के अंदर। अब ये पहले डालेंगे हम इसमें ये काजू बादाम का जो पेस्ट बना रखा है इसे। थोड़ी सी लकड़ी और लगा दूँ, मैं सूजी जो है और इसमें मिला दूंगी, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। साथ में ये थोड़ा सा बेसन है, बेसन को भी डाल देंगे, और आप इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको लगातार ही लगे ना। देखिए कलर इसने चेंज कर लिया सूजी और बेसन।
बेसन में। अब हम इसमें ये दाल मिला देंगे और अब इसको अच्छे से इसमें भूनेंगे। दाल को हमने वैसे भी आपके सामने रोस्ट करा था तो वो काफ़ी पक गई है। अगर आप बिना रोस्ट करे डालेंगे तो काफ़ी पकने में भी टाइम लग जाता है और थोड़ा कच्चा कच्चा टेस्ट भी आता है उसमें। तो लगातार हिलाते रहे ताकि दाल जो आपकी नीचे ना लगे। ये अब हमने जो चाशनी बना रखी है वो हम इसमें धीरे धीरे मिलाएंगे इस तरीके से। ये पूरा डाल दो। दी हमने चाशनी और चाशनी डालते ही देखो भाई इसका टेक्सचर और इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है। ये देखो चेक करो, पूरा देसी घी का मूंग दाल का हलवा भाई, होममेड, वो भी चूल्हे के ऊपर। ये देखो कलर देख रहे हैं आप कैसे चेंज हुआ है इसका एकदम से। देखो आप कलर और इसका टेक्सचर भाई, फ्रेगनेंस, इसकी स्मेल खतरनाक। ये टेक्सचर सिर्फ उसी वजह से आज हमने इसको पहले रोस्ट करा था और जो हमने सूजी और जो उसमें बेसन डाला था उसको भी अच्छे से हमने घी में रोस्ट करा है। अब ये पूरा जो है वो जैसे आप शादियों में आते हैं हलवा वैसे ही बन के तैयार होगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाऊंगी। आपको मेरी अच्छी लगी अगर रेसिपी ये जो मैंने बनाई है हलवे की तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फिर मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दिखाऊंगी। जो मुझे आता है वो मैं आपको दिखाऊंगी बना के। देखिए हलवे ने अपना कलर देखिए कितना अच्छा निकला है इसका बन के। आपने भूनना अच्छे से है इसे, बस इसका मेन यही है कि आपने इसको अच्छे से भूनना है। अगर आपने इसको भूना नहीं तो आपका ये कलर भी नहीं आएगा और ये इस तरीके से बन के भी नहीं निकलेगा। हलवा आएंगे देखिए। देखो पौने घंटे घंटे की मेहनत के बाद ये हमारा मूंग दाल का हलवा देसी घी का ऑन चूल्हा। तो इसका देखो अभी टेक्सचर और इसका देखो कलर। फ्रेगनेंस तो आप चेक नहीं कर पाओगे पर भाई पहले आ रही है ना देसी घी की इतनी ज़बरदस्त फ्रेगनेंस ही देखो। ओए होए, तो अभी इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम और तो दिखाते हैं आपको फाइनल पोजीशन में। ये तैयार हो गया, ये देखिए। ये हम आपको इसको कटोरी में डाल के दिखाएंगे कैसा लगता है। बाय नहीं, हमें दिखाएंगे। हाँ
ये हमारा हलवा बन के तैयार हो गया। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी बनाएं। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो बाय बाय। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय।